हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे। मैं आशीष पांडे स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद हासू में। कल के वीडियो में हम लोगों ने देखा था आरबीआई के कार्य। जो लोग वो वीडियो ना देखे हों उसकी लिंक आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी, आप सब देख सकते हैं। साथ ही जो आरबीआई का पहला वीडियो था उसके पहले आया था कार्यों के पहले, तो उसकी लिंक भी आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप सब देख सकते हैं। उम्मीद करता हूं पिछले वीडियो आप लोगों को अच्छे लग रहे होंगे। जो लोग नए हों चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, जिससे कि इस तरह के आने वाले सभी इंफॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों को मिल सके। आइए बिना किसी देरी के आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं बैंकों का राष्ट्रीयकरण। देखिए, हम लोगों ने आरबीआई के बारे में देख लिया, मुद्रा की उत्पत्ति देख लिया, बजट देख लिया है, मुद्रा स्फीति, अपस्फीति, मौद्रिक नीति, काफी सारी चीजें हम लोगों ने कवर कर ली है। तो आज जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है मैंने सोचा इसे बता दूं, जिससे कि जो एनटीपीसी वगैरह का एग्जाम लगने वाला है इसमें आप लोग सही तरीके से क्वेश्चन टैकल कर पाए। तो आइए बात करते हैं किसके बारे में, बैंकों का राष्ट्रीयकरण। चैप्टर का नाम है बैंकों का राष्ट्रीयकरण, नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स। तो हम लोग सबसे पहले इसकी बेसिक पॉइंट को समझेंगे कि देखिए जो बैंक वगैरह होती है सारी बैंकें आपकी क्या हैं, गवर्नमेंट बैंक नहीं है, राष्ट्रीय बैंक नहीं है। तो इनमें वो कौन सी बैंकें होती हैं जिनका राष्ट्रीयकरण माना जाता है और उनका राष्ट्रीयकरण कैसे किया जाता है और कितनी बैंकों का राष्ट्रीयकरण स्टार्टिंग में किया गया, कब किया गया, कितने चरणों में किया गया और वर्तमान में कितनी राष्ट्रीयकृत बैंकें हैं, सबके बारे में हम लोग बात करेंगे। और साथ ही मैं आप लोगों को वीडियो के स्टार्टिंग में ही बता दूं कि इसके बाद का जो वीडियो आएगा तो उसमें बैंकों के विलय के बारे में हम लोग बात करेंगे कि एक बैंक का दूसरी बैंक में विलय कैसे किया जाता है और क्यों किया जाता है, उसके फायदे तथा नुकसान क्या हो सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसी तरह प्यार बनाए रखेंगे और वीडियो को इसी तरह सपोर्ट करते रहेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग बेसिक पॉइंट समझते हैं कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण, राष्ट्रीयकरण कहते किसे हैं। कोई डिफिनेशन मैं नहीं दूंगा इकोनॉमिक्स की, मैं सिंपल वे में आप लोगों को बताऊंगा अपनी लैंग्वेज में, जैसे कि हम आप सब समझते हैं। देखिए, राष्ट्रीयकरण कहते किसे हैं, किसी भी चीज का अगर हम क्या कर देते हैं वह गवर्नमेंट के अधीन में चली जाए तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे कि वह एक राष्ट्रीयकृत चीज है। जैसे अगर कोई भी फर्म है, ऐसे मान के हम लोग देखेंगे कि मानिए ये कोई फर्म है, ये एक फर्म है और ये प्राइवेट है अभी, ठीक। प्राइवेट का मतलब यह होता है कि इस पर निजी स्वामित्व होता है, तो जो आम जनता होगी या हम आप होंगे कोई भी, तो इस पर उतना ज्यादा विलीन नहीं कर पाएंगे, ट्रस्ट नहीं कर पाएंगे, ठीक। तो क्या करते हैं कि अगर इसी को कन्वर्ट कर दिया जाए, किसमें, नेशनलाइज कर दिया जाए, ठीक, राष्ट्रीयकृत कर दिया जाए, अर्थात यह सरकार इस पर पूरा दायित्व ले अपने ऊपर, तो इसमें कार्य करने में आपको कोई हिचकिचाहट नहीं होगी और हम आप सब इस पर क्या करेंगे, ट्रस्ट करने लग जाएंगे। तो इसी को राष्ट्रीयकरण बोलते हैं। डिफिनेशन के माध्यम से समझेंगे कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण क्या है। तो वह है कि राष्ट्रीयकरण वह प्रक्रिया है जिसके तहत सरकार किसी भी फर्म अथवा संस्था के कुछ शेयर अपने पास खरीद लेता है, कुछ का मतलब अधिकांश शेयर अपने पास रख लेता है, तो उसे क्या कहते हैं, राष्ट्रीयकरण कहते हैं। तो इसी तरह से बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। अब बात करेंगे कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया क्यों गया। देखिए, एक एक पॉइंट बेसिक लेवल से समझेंगे, इकोनॉमिक्स के तौर पर नहीं लेंगे इसे, अपने आम जीवन के बारे में हम लोग लेकर सोचेंगे कि अगर उस टाइम में हम लोग होते तो क्या कंडीशन होती, कैसे सर्वाइव किया जाता। तो उसे समझने का सबसे अच्छा पॉइंट है कि सबसे पहले देखें कि इसका राष्ट्रीयकरण किया क्यों गया, बैंक पर सरकार ने अपना आधिपत्य क्यों जमाया। तो देखिए, उसके कई कारण थे। हम लोग चलते हैं 1950 से 60 के दशक में, जब हमारा देश नया नया आजाद हुआ था, तो उस समय क्या था कि जो बैंकें थी ये प्राइवेट थी, इस पर निजी स्वामित्व था, ठीक। तो ये क्या करते थे कि पूरी तरह से यहां उद्योगपतियों का साथ देती थी, क्योंकि इन पर ज्यादा से ज्यादा उद्योगपतियों का ही अधिकार होता था, आम जनता बैंकिंग विकास से काफी दूर थी। तो इस तरह से अगर कोई जनता होती भी थी बैंकों में, अगर मान लीजिए जमा करती थी, तो वह सिर्फ जमा करती थी, उसे कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता था, कोई प्रॉफिट नहीं दिया जाता था। और साथ ही कुछ लोग ऐसे होते हैं उस टाइम में जो लोग थे वो बिलीव भी नहीं करते थे इस पर, जाहिर सी बात है कोई बिलीव नहीं करेगा, यह क्या है, एक प्राइवेट कंपनी थी, निजी संस्था थी, इस पर निजी लोगों का स्वामित्व होता था, बैंकों पर भी, तो उस पर कोई बिलीव नहीं करता था। तो इस तरह से जमाएं भी कम मिलती थी, डिपोजिट भी कम होता था, अगर डिपोजिट कम होगा तो बैंकों का विकास कम होगा, लोन कम दिया जाएगा। और उस समय क्या था कि उस समय साहूकार तथा देशी महाजनों का क्या चलता था,
अब पूरी तरह से अगर हम लोग देखें तो स्वामित्व था, कैसे, वो आधिपत्य जमा के बैठे थे कि बैंक से तो आम जनता को लोन मिल नहीं रहा था, ठीक है, कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा था, तो आम जनता किसके पास जाती थी, साहूकारों के पास। तो साहूकार क्या करते थे कि उसे लोन तो देते थे जनता को, जमीनों को गिरवी रख लेते थे, उसके बाद उनकी जमीनें बंधक बना के उसे अपने अंदर में कर लेते थे। तो इस तरह से क्या होता था कि आम जनता का शोषण होता था, ठीक। तो देश का विकास रुक सा गया था, देश आजाद होने के बाद भी विकास रुक गया था। तो उसी विकास की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए सरकार ने क्या किया कि उसने जो बैंकें थी उनमें से कुछ बैंकों का क्या किया, राष्ट्रीयकरण कर दिया, उनकी कुछ शेयर अपने पास रख लिए। तो इससे उस पर सरकार का स्वामित्व हो गया, तो आम जनता का भी उसमें विश्वास हो गया, तो डिपोजिट भी होने लगा सही तरीके से, और जनता भी बैंकिंग सेवा से जुड़ गई। बात करेंगे कि इसका विकास कैसे हुआ। तो जब देश आजाद हुआ तो बैंकों का काफी विकास हुआ, उनकी शाखाएं तो बहुत मात्रा में बढ़ी, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र इससे अछूता रहा। ग्रामीण क्षेत्रों में ये बैंकें नहीं गई, केवल शहरी क्षेत्रों में यह पाई जाती थी। तो इस तरह से पूरी प्रक्रिया को सही करने के लिए सरकार ने क्या किया कि ये कदम उठाया कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर देते हैं, जिससे कि जितनी भी आम जनता है सबका बिलीव हो जाए बैंकों पर और वह डिपोजिट करने लगे, देश का विकास हो सके। तो इस तरह से इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि थी। उम्मीद करता हूं कि आप लोग सही तरीके से इसे समझ गए होंगे। अब हम लोग बात करने वाले हैं इसके पॉइंट टू पॉइंट चीजों पर। आइए सबसे पहले देखेंगे कि राष्ट्रीयकरण क्या है। लिखने की कोशिश करते हैं, राष्ट्रीयकरण, नेशनलाइजेशन कहते किसे हैं, तो वह है जब सरकार किसी निजी संस्था अथवा फर्म का कुछ शेयर खरीदकर अपना नियंत्रण स्थापित करती है, अपना नियंत्रण स्थापित करती है, तो उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, राष्ट्रीयकरण। किसी भी संस्था का, कोई भी प्राइवेट संस्था हो, जरूरी नहीं कि बैंक ही हो, अगर उसका क्या करना है, नेशनलाइजेशन करना है, राष्ट्रीयकरण करना है, तो सरकार क्या करेगी कि उसके कुछ शेयर को वह खरीद लेगी, ठीक। तो पूरी तरह से उस पर सरकार का स्वामित्व हो जाएगा। अब बात करेंगे हम लोग क्या, इसे रफ कर देंगे और बात करेंगे कारणों के बारे में कि क्या कारण थे जिस वजह से राष्ट्रीयकरण किया गया। तो बहुत बेसिक तौर पर हम लोग समझेंगे राष्ट्रीयकरण के कारण। कारणों में जो सबसे पहला पॉइंट था वह क्या था कि 1950-60 में अर्थव्यवस्था क्या थी कि कुछ क्षेत्र बैंकिंग जगत द्वारा उपेक्षित किए जाते थे, जो मैंने अभी बात की थी कि कुछ क्षेत्र ऐसे थे जैसे कृषि हो गया, कुटीर उद्योग हो गया, एमएसएमई हो गया, तो यह पूरी तरह से क्या था कि बैंकिंग क्षेत्रों द्वारा उपेक्षित किया जाता था। तो इसको भी दूर करने के लिए किया गया, एक एक पॉइंट लिखेंगे। 1950 से 1960 के दशक में अर्थव्यवस्था के कुछ क्षेत्रक या कुछ क्षेत्र बैंकिंग सेक्टर से अछूते रखे जाते थे, जिससे देश का विकास नहीं हो पाता था। और वो जो सेक्टर थे वो क्या थे, जैसे आप मान लीजिए कृषि, कुटीर उद्योग, ठीक। तो इस तरह की काफी सारी चीजें थी, ठीक। तो हम लोग समझेंगे कि देखिए जो दशक है 1950 से 60 का, तो यह पंचवर्षीय योजनाओं का दशक था। उस समय योजना आयोग के तहत क्या लाई जाती थी, पंचवर्षीय योजनाएं लाई जाती थी, देश का विकास किया जाता था। तो जब मैंने पंचवर्षीय योजना का चैप्टर आप लोगों को पढ़ाया था, उसमें पहली पंचवर्षीय योजना जो मैंने बताई थी वह 1951 से 1956 तक थी, ठीक है। उसमें क्या किया गया था कि कृषि पर ही जोर दिया गया था, लेकिन यहां क्या देखने को मिल रहा है कि उन दशकों में कृषि के जो क्षेत्र थे, कुटीर उद्योग जो थे,
इन सारी चीजों को क्या किया गया था, बैंकिंग सेक्टर से अछूता रखा गया था। तो इस तरह से विकास सही तरीके से नहीं हो पा रहा था, तो इस कारणों को भी दूर करने के लिए राष्ट्रीयकरण किया गया। दूसरे पॉइंट के बारे में बात करेंगे, वह क्या है कि जो 1960 का दशक था, बैंक उस समय क्या करते थे, अपने कुल पूंजी का 60% से अधिक उद्योगपतियों को ऋण देती थी, केवल उद्योगपतियों को। जो इंडस्ट्रियां थी उनको ही केवल 60% से ज्यादा अपना वो पूंजी क्या करती थी, दे देती थी लोन के रूप में, और आम जनता इससे क्या होती थी, दूर हो जाती थी। बैंक अपने कुल पूंजी का 60% से अधिक उद्योगपतियों को ऋण देता था, ठीक। तो इस तरह से भी विकास क्या हुआ था, एक तरह से रुक सा गया था, एक ही व्यक्ति के पास क्या हो जाता था, पूंजी का केंद्रीकरण हो जाता था, ठीक। तीसरा पॉइंट लिखेंगे, अब कंडीशन आती है आम जनता की, जो मैंने अभी आप लोगों को बताया। आम जनता किस पर निर्भर हो गई, साहूकारों पर। साहूकार से अधिक ब्याज दर पर, साहूकारों द्वारा अधिक ब्याज दर पर ऋण लेने को मजबूर थी, ठीक है। इससे क्या हुआ कि इनका शोषण किया गया बहुत बुरी तरीके से, किनका, आम जनता का, ठीक। तो ये सारे पॉइंट मैं आप लोगों को समझा चुका हूं, बस मैं नोट्स बनवाने की कोशिश कर रहा हूं, तो आप लोग भी नोट करते रहिए। क्या हुआ, अगला पॉइंट है कि आजादी के बाद बैंकों की शाखाओं में वृद्धि हुई, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र इससे अछूता रहा, ठीक। मतलब कि जो बैंकें थी उनकी शाखाओं में तो वृद्धि हुई, इससे यह हुआ कि बैंकों का आधिपत्य धीरे धीरे अर्थव्यवस्था में होने लगा, लेकिन क्या हुआ कि इससे जो ग्रामीण क्षेत्र थे वो अछूते रहे। मतलब शहरों में ही केवल क्या किया गया, बैंकों की शाखाओं का विकास किया गया। तो उम्मीद करता हूं ये चार पॉइंट आप लोग सही तरीके से इसके कारण के बारे में समझ गए होंगे कि क्यों राष्ट्रीयकरण किया गया। देखिए, कोई भी कार्य, अगर कोई भी चैप्टर मैं समझाऊं तो सबसे पहले उसका बेस बताता हूं, ये आप सबको पता है, और उसका बेस इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता कि राष्ट्रीयकरण है क्या, वो हम लोगों ने समझा, फिर हम लोगों ने देखा कि इसके कारण क्या है, ठीक। आइए, अभी कुछ पॉइंट और है इसमें, 2 से 3, उसे भी हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। आइए बात करते हैं उनके बारे में। तो चार पॉइंट हमारे हो गए, हर चैप्टर को आप लोग इजी वे में लेकर समझा करिए, चीजें क्लियर हो जाएंगी, कोई प्रेशर मत लीजिए, एग्जाम है, सबको पता है प्रेशर लेने से कोई भी चीज सॉल्व नहीं होती, चीजें सही तरीके से पढ़ते रहिए, सब कुछ सॉल्व होगा, सिलेक्शन होगा, ठीक है। आइए बात करते हैं पांचवे पॉइंट के बारे में कि इसका पांचवा रीजन क्या था, इसका जो कारण था वह पांचवा कारण क्या था। पांचवा कारण था जो सरकार द्वारा नीतियां बनाई जाती थी, क्या, सरकार की नीतियां तथा पंचवर्षीय योजनाएं, सरकार द्वारा जो नीतियां बनाई जाती थी तथा जो पंचवर्षीय योजनाएं होती थी, इनका सहयोग नहीं मिल पाता था पंचवर्षीय योजनाओं का। सहयोग न मिल पाना, अब आप लोग बताइए, अगर बहुत पंचवर्षीय योजनाएं लाई जा रही हैं या फिर सरकार द्वारा कुछ नीतियां बनाई जा रही हैं, लेकिन आम जनता को अगर बैंकिंग सेक्टर से दूर रखा गया है, तो विकास कैसे होगा। देश का विकास तभी होगा जब यहाँ के व्यक्तित्व का विकास होगा। अगर एक एक व्यक्ति का विकास होगा तो देश पूरी तरह से क्या करेगा, डेवलप कर जाएगा। तो इसलिए उस समय ये सबसे बड़ी समस्या थी,
इससे इन सब समस्याओं को दूर करने के लिए ही राष्ट्रीयकरण किया गया था। हम लोग बात करेंगे, दो तीन पॉइंट और हैं, पहले लिख लेते हैं। छठवां कारण लिखेंगे इसका बहुत बेसिक तरीके से और स्टैंडर्ड लेवल का आप लोगों को नोट्स में प्रिपेयर करवाने की कोशिश कर रहा हूं, जिससे कि अगर आप लोग यूपीएससी भी देना चाहें तो आप लोग इसी नोट्स के माध्यम से निकाल सके। ठीक है, तो नोट्स मेरी जैसे मैं बनवाता हूं उसी तरह से आप लोग बनाया करिए। छठवां पॉइंट लिखेंगे, इसमें क्या हो गया कि बैंकों तथा उद्योगपतियों का गठजोड़ हो गया। क्या गठजोड़? गठजोड़ का मतलब है कि बैंकें ज्यादा से ज्यादा, अभी मैंने बताया आप लोगों को कि 1960 के दशक में बैंकें क्या करती थी कि अपने कुल मतलब पूंजी का, जितनी भी उनके पास संपत्ति होती थी, पूंजी होती थी, उसका 60% केवल उद्योगपतियों को वहां देती थी। तो उद्योगपतियों और बैंकों में क्या हो गया, एक तरह से कंबिनेशन बन गया, गठजोड़ बन गया कि इन दोनों का ही आधिपत्य स्थापित हो गया। बैंकें क्या थी? प्राइवेट थी। सातवां कारण लिखेंगे, आम जनता, अभी मैंने क्या बताया था कि आम जनता क्या करती थी, सिर्फ जमा करती थी। आम जनता सिर्फ जमा करती थी, कोई लाभ नहीं, ना तो इसे कोई प्रॉफिट होता था, ना इंटरेस्ट दिया जाता था। तो इस तरह से भी जनता का क्या हो रहा था, शोषण हो रहा था। आठवें पॉइंट के बारे में बात करेंगे कि बैंकों पर क्या था, निजी नियंत्रण था। जो मैंने आप लोगों को ऐतिहासिक पृष्ठभूमि बताई, ये सारी चीजें मैं बोल चुका हूं, वही मैं लिखने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक, बैंकों पर निजी स्वामित्व था, देखिए बैंकों पर जब निजी स्वामित्व हो गया तो इससे जो पैसा अगर हम डालेंगे बैंक में तो वह डूबने का डर रहता है कि ये तो एक व्यक्ति के अंडर में है, वह व्यक्ति कभी भी बैंक को बंद कर सकता है, सरकार का कोई प्रेशर नहीं है। तो इसलिए क्या होता था, बैंकों पर निजी स्वामित्व, पैसे डूबने का डर। क्या? पैसे डूबने का डर। चलिए, तो इतने सारे क्या थे, इसके कारण थे। अब हम लोग बात करेंगे राष्ट्रीयकरण। अब देख लेंगे कि राष्ट्रीयकरण हुआ कब और कितनी बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, कितने चरणों में हुआ और प्रेजेंट में कितनी राष्ट्रीयकृत बैंकें हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि प्रेजेंट में देखिए सबसे पहले क्या हुआ, 1969 में क्या किया गया, बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। तो उस समय कुल 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। सरकार किसकी थी, इंदिरा गांधी की सरकार थी। कब? 1969 में, 1969 में। ये वही टाइम पीरियड है जब क्या हुआ था, इसरो की भी स्थापना की गई थी। ठीक, और नील आर्मस्ट्रांग कहां गए थे, चांद पर गए थे। तो ये दो तीन पॉइंट है 1969 से रिलेटेड आप लोग याद रखेंगे। तो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया और सरकार किसकी थी, इंदिरा गांधी की थी। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरा चरण आता है कब, 1980 में, जस्ट 11 साल बाद। 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण, फिर उसके बाद 80 में क्या किया गया, 6 बैंकों का और राष्ट्रीयकरण किया गया। तो टोटल कितनी बैंकें हो गई हमारी, 14, 6, 20 बैंकें हो गई। लेकिन 1993 में क्या हुआ कि 1993 में पंजाब नेशनल बैंक में एक बैंक का क्या कर दिया गया, विलय कर दिया गया। वह बैंक कौन सी थी, बैंक ऑफ इंडिया। बैंक ऑफ इंडिया का विलय 1993 में पंजाब नेशनल बैंक में कर दिया गया। तो कुल 19 बैंकें बची। ठीक है, तो मैंने अभी बताया कि विलय का चैप्टर मैं अलग से लाऊंगा, लेकिन बेसिक चीजें मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं। तो इस तरह से कुल 19 हमारी क्या हो गई, राष्ट्रीयकृत बैंकें हो गई। लेकिन सन 2000 अगर हम लोग 20 की बात करें तो 2020 तक आते आते क्या किया गया कि बैंकों की संख्या पहले 19 से 18 की गई, फिर 17 की गई। 17 से फिर कितना कर दिया गया, 2020 में नरेंद्र मोदी की सरकार में क्या किया गया है, पिछले साल की बात है कि 10 बैंकों का क्या कर दिया गया, विलय कर दिया गया। तो प्रेजेंट टाइम में कुल 12 बैंकें हैं जो राष्ट्रीयकृत हैं। तो ये पॉइंट हमेशा याद रखेंगे कि सबसे पहले 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में इंदिरा गांधी की सरकार में, फिर क्या हुआ, 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। और वहां बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, 1980 में। फिर उसके बाद 1993 में बैंक ऑफ इंडिया का विलय कर दिया गया, किसमें, पंजाब नेशनल बैंक में। कुल बची 19 बची। फिर उन 19 में क्या किया कि पूरी तरह से विलय कर करके 2020 में, प्रेजेंट टाइम में जो 2021 चल रहा है, यहां तक आते आते कुल 12 राष्ट्रीयकृत बैंकें बची हैं। याद रखेंगे हमेशा, फिर से रिपीट कर रहा हूं, सबसे पहले 14 बैंक 1969, 1980 में 6 बैंक
और लास्ट में आकर 2021 में हम लोग देखें तो 2020 में 10 बैंकों का विलय किया गया, टोटल हमारी राष्ट्रीयकृत बैंकें बची हैं 12। तो इतने सारे पॉइंट आप लोग क्लियर रखेंगे। आइए देखते हैं बैंकों का विलय सॉरी राष्ट्रीयकरण, बैंकों का राष्ट्रीयकरण। राष्ट्रीयकरण में हम लोग देखेंगे क्या, प्रथम चरण, तो प्रथम चरण कब आया था, 1969 में। कुल कितनी बैंकें, 14 बैंक, और एक एक बैंक का नाम अब हम लोग लिखने वाले हैं। ठीक, तो सबसे पहले बैंक का नाम लिखेंगे क्या, इलाहाबाद बैंक। कौन सा, इलाहाबाद बैंक का क्या किया गया, राष्ट्रीयकरण किया गया। उसके बाद इंडियन बैंक, इंडियन बैंक, इंडियन बैंक के बाद बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ बड़ौदा। उसके बाद इंडियन ओवरसीज, इंडियन ओवरसीज, सबके आगे आप लोग बैंक लगा लेंगे, इंडियन ओवरसीज बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, इंडियन बैंक, इलाहाबाद बैंक। उसके बाद कौन सी आती है हमारी, बैंक ऑफ इंडिया, कौन सी, बैंक ऑफ इंडिया। ये वही बैंक है बैंक ऑफ इंडिया जिसका विलय आगे चलकर किसमें कर दिया गया, पंजाब नेशनल बैंक में, पंजाब नेशनल बैंक, पीएनबी जिसे बोलते हैं। 1993 पूछेगा कि सबसे पहली वह कौन सी राष्ट्रीयकृत बैंक थी जिसका विलय किया गया और किस बैंक में किया गया, तो वह कौन सी बैंक थी, बैंक ऑफ इंडिया। इसका विलय 1993 में पंजाब नेशनल बैंक में कर दिया गया था। सातवें पॉइंट के बारे में बात करेंगे, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ महाराष्ट्र। तो इस तरह से सात बैंकें हो गई। अब सात हम लोग क्या करेंगे, इधर लिख लेंगे। ये हुई आठवीं, नौवीं, दसवीं, ग्यारह, बारह, तेरह, चौदह। तो सबके बारे में हम लोग लिखेंगे, सात हो गई। आठवीं हमारी कौन सी है, सिंडिकेट बैंक, सिंडिकेट बैंक। ये 1969 का राष्ट्रीयकरण हम लोग कर रहे हैं कि 1969 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण इंदिरा गांधी की सरकार में किया गया। ठीक, तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। उसके बाद देखेंगे यूको बैंक, कैनरा बैंक, कैनरा बैंक के बाद कौन सी आती है, यूनियन बैंक, यूनियन बैंक। साथ ही देना बैंक तेरहवीं है। चौदहवीं कौन सी है, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, कौन सी, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया। साथ ही देखेंगे कि इसमें जो हम लोगों ने देखा क्या, इंपीरियल बैंक, तो क्या किया गया था कि 1955 में इंपीरियल बैंक का नाम बदल के क्या कर दिया गया था, एसबीआई कर दिया गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया। तो ये पॉइंट याद रखेंगे, लिखाने की जरूरत नहीं, मैं यही लिख देता हूं यहां पर, 1955 में इंपीरियल बैंक का नाम बदल के क्या कर दिया गया, एसबीआई कर दिया गया था, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो ये पॉइंट आप लोग याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है नोट के माध्यम से। तो इतनी बैंकें थी जो 1969 में क्या की गई थी, राष्ट्रीयकृत की गई थी। उम्मीद करता हूं कि आप लोग सही तरीके से इसे समझ गए होंगे। आइए अब हम लोग बात करेंगे अगले पॉइंट के बारे में, इसे आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे, जो लोग ना ले पाए होंगे वीडियो को थोड़ा बैक करेंगे फिर पॉज करके ले लेंगे। ठीक, अब हम लोग बात करेंगे दूसरे चरण के बारे में। पहला चरण 1969 का खत्म हुआ, दूसरे चरण में कुल 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया।
दूसरा चरण, और कब से कब, सॉरी कब हुआ था यह, 1980 में 6 बैंक राष्ट्रीयकृत की गई। ठीक, तो वह 6 बैंक कौन कौन सी थी, आइए सबका नाम मैं लिखूंगा। सबसे पहले किस बैंक का नाम हम लोग लेते हैं, पंजाब एंड सिंध बैंक। कौन सी, पंजाब एंड सिंध बैंक। देखिए जो जो 1969 में की गई 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण, अगर उनका नाम आप लोग भूल रहे हैं तो उसमें से दो चार नाम ऐसे हैं जो इंपॉर्टेंट है, उन्हें याद रखना है। लेकिन जो दूसरे चरण में 1980 में राष्ट्रीयकरण किया गया था, इनका नाम आप लोगों को कंपलसरी याद रखना पड़ेगा एक एक करके। क्यों, क्योंकि यहां से कई बार मैंने देखा है कि क्वेश्चन बने हुए आए हैं, डायरेक्ट बैंक का नाम दे देता है, पूछ लेता है कि इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ, या फिर बोल देगा कि 1980 में कितनी बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, 6, तो 1980 में निम्न में से किस बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था, तो 4 आपको क्या दे देगा, 1969 वाली देगा और 1 इसमें से दे देगा। ठीक है, या फिर कंफ्यूज करने के लिए आपको 4 की चारों उसमें से दे देगा, ठीक, और 1.3 उसमें से दे देगा, 1 पॉइंट बना देगा, क्या, नन ऑफ दिस। तो आप लोग इसे जरूर याद रखेंगे। तो पहली बैंक है पंजाब एंड सिंध बैंक, दूसरी है आंध्र बैंक, कौन सी, आंध्र बैंक, तीसरी बैंक है हमारी विजया बैंक, विजया बैंक, फिर कॉरपोरेट बैंक, कॉरपोरेट बैंक, ठीक, उसके बाद छठवीं बैंक है ओरिएंटल बैंक ऑफ इंडिया, कौन सी, ओरिएंटल बैंक ऑफ इंडिया, और लास्ट जो छठवीं बैंक थी वह थी न्यू बैंक ऑफ इंडिया, नई बैंक जिसे बोलते थे, न्यू बैंक ऑफ इंडिया। तो देखिए इस तरह से कुल 6 बैंकें हैं जिनका दूसरे चरण में क्या किया गया था, राष्ट्रीयकरण किया गया था 1980 में। कौन कौन सी, पंजाब एंड सिंध बैंक, आंध्र बैंक, विजया बैंक, कॉरपोरेट बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ इंडिया और न्यू बैंक ऑफ इंडिया। देखिए 2 से 3 तो ऐसे याद हो गई कि पंजाब एंड सिंध बैंक, ओरिएंटल बैंक, न्यू बैंक, ये क्या है, ऑफ इंडिया इसमें लगा हुआ है। ठीक, उसके बाद आंध्र बैंक, विजया बैंक, कॉरपोरेट बैंक, याद करते हैं, पंजाब एंड सिंध बैंक, आंध्र बैंक, विजया बैंक, कॉरपोरेट बैंक और ओरिएंटल बैंक ऑफ इंडिया, न्यू बैंक ऑफ इंडिया, इस तरह से 6 बैंक है। मैं तो कहूंगा कि आप लोग इसकी कोई ना कोई अपनी ट्रिक बना लें, बहुत सारे महापुरुष हैं जो YouTube पर भी ट्रिक बनाए हुए हैं, तो मैं ये नहीं कहूंगा कि सिर्फ मेरे ही वीडियो की आप लोग क्या करें हेल्प लें, आप लोग ट्रिक के लिए किसी और की भी हेल्प ले सकते हैं, लेकिन ट्रिक को मैं ज्यादा सपोर्ट इसलिए नहीं करता क्योंकि ट्रिक का हिंदी शाब्दिक अर्थ ही धोखा होता है, वो चीजें आप लोग भूल सकते हैं, लेकिन अगर बेसिक चीज जैसे मैं बोलता हूँ एक एक पॉइंट करके याद कर लेंगे, कभी भूलने वाला नहीं है। याद करने का सिंपल ट्रिक, लिखना आपका काम ही है, पढ़ना और लिखना, जितनी बार आप लिखोगे चीजें याद होती जाएंगी। उम्मीद करता हूं कि ये सारे पॉइंट आपके क्लियर हो गए होंगे। अब हम लोग बात करेंगे क्या, लास्ट पॉइंट के बारे में, कि राष्ट्रीयकरण हम लोगों ने ये तो देखा कि राष्ट्रीयकरण किसे कहते हैं, फिर हम लोगों ने देखा कि राष्ट्रीयकरण के कारण क्या थे, किस वजह से राष्ट्रीयकरण किया गया, फिर हम लोगों ने देखा कितनी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, अब हम लोग देखने वाले हैं कि इसका उद्देश्य क्या था। ठीक, कारण तो हम लोगों ने जान लिया कि ये परेशानियां थी इस वजह से राष्ट्रीयकरण किया गया, लेकिन उद्देश्य क्या, चीजों का उद्देश्य बनाकर इसका राष्ट्रीयकरण किया गया और वो कितने पूरे हुए वो हम लोग देखने वाले हैं। आइए इसके उद्देश्यों के बारे में बात करते हैं। राष्ट्रीयकरण का उद्देश्य, उद्देश्य में जो पहला पॉइंट हम लोग लिखेंगे वह क्या है, हम लोगों ने क्या देखा था कि ऋण का सही तरीके से वितरण नहीं होता था, किसमें होता था, केवल जो बैंकें होती थी वो अपना ऋण देती थी किसे, उद्योगपतियों को, लेकिन इसका जो उद्देश्य बनाया गया वह क्या था कि अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में ऋण का संतुलित वितरण या सुनिश्चित वितरण, क्या है, अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में अर्थव्यवस्था के
सभी क्षेत्रों में ऋण का क्या किया जाए, संतुलित वितरण किया जाए, संतुलित वितरण किया जाए। यह क्या बनाया गया, उद्देश्य बनाया गया कि केवल उद्योगपतियों के आधिपत्य को हटाकर क्या किया जाए कि संतुलित वितरण किया जाए, प्रत्येक व्यक्ति को ऋण दिया जाए जिससे कि विकास संभव हो सके। दूसरे पॉइंट के बारे में बात करेंगे कि दूसरा उद्देश्य क्या था इसका, कि बैंकिंग सेवाएं क्या थी, केवल शहरों में शाखाएं बढ़ी थी, लेकिन इसके माध्यम से क्या किया गया कि ग्रामीण क्षेत्रों में तथा देश के प्रत्येक अंतिम व्यक्ति तक बैंकिंग सेवाएं पहुंचाई जाएं, उसके लिए भी इसका उद्देश्य बनाया गया। तो क्या लिखेंगे हम लोग, ग्रामीण क्षेत्रों साथ ही समाज के अंतिम व्यक्ति तक, ग्रामीण क्षेत्रों तथा समाज के अंतिम व्यक्ति तक बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराई जाए। ठीक, ये क्या था इसका ऑब्जेक्ट था, उद्देश्य था, ये टारगेट बनाया गया कि ग्रामीण क्षेत्र तथा जो समाज का अंतिम व्यक्ति है उस तक भी बैंकिंग सेवाएं पहुंचाई जाए। तीसरा पॉइंट लिखेंगे क्या है, सरकारी योजनाओं की पूर्ति हेतु बैंकों को अनुकूल बनाया जाए, सरकारी योजनाओं की पूर्ति हेतु बैंकों को अनुकूल बनाया जाए, मतलब जो भी हम लोगों ने देखा था कि जो सरकारी योजनाएं, सरकार की नीतियां और पंचवर्षीय योजनाएं आती थी वह पूरी तरह से क्या नहीं होती थी, सहायता नहीं कर पाती थी एक आम व्यक्ति का अथवा देश के विकास का, तो उनको ऐसा बनाया गया कि बैंकों का ऐसा कार्य करवाया गया बैंकों से कि सरकारी योजनाओं की पूर्ति हेतु इन्हें अनुकूल कर दिया गया कि जो योजनाएं हैं उनमें बैंकों का क्या हो, योगदान हो और सही तरीके से विकास संभव हो सके। ठीक, इतने पॉइंट थे। और चौथा पॉइंट है और लास्ट पॉइंट है इस वीडियो का, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, सरकार का नियंत्रण स्थापित करना। क्या हेडिंग के तौर पे लिखेंगे, सरकार का नियंत्रण स्थापित करना। और सरकार का नियंत्रण क्यों स्थापित किया जाए, तो इसके लिए भी दो पॉइंट, जो इंपॉर्टेंट दो पॉइंट है बस मैं वही लिखूंगा। क्या था, हम लोगों ने पहली बार इसका क्या, इसकी समस्या क्या देखा था, कारण हम लोगों ने क्या देखा था, वही दूर करने के लिए सरकार का नियंत्रण स्थापित करना राष्ट्रीयकरण का उद्देश्य था कि सरकार का अगर नियंत्रण हो जाएगा तो काफी सारी अवैध चीजें क्या होंगी, रुक जाएंगी, उद्योगपतियों का आधिपत्य खत्म हो जाएगा, बैंकों का सिर्फ उद्योगपतियों को ऋण देना खत्म हो जाएगा और देश का पूरी तरह से विकास होगा। तो इसके पहले पॉइंट में लिखेंगे कि उद्योगपतियों का बैंकों पर से एकाधिकार खत्म करना। क्या, उद्योगपतियों का बैंकों पर से एकाधिकार कम करना। अगर सरकार का स्वामित्व हो जाएगा तो वैसे ही जितने उद्योगपति होंगे उनका एकाधिकार स्वतः ही कम हो जाएगा। दूसरा पॉइंट है आर्थिक संसाधनों का दुरुपयोग रोकना। आर्थिक संसाधनों का दुरुपयोग रोकना। तो इसके उद्देश्य से संबंधित इतने सारे पॉइंट थे, चार थे। समझेंगे कि अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में ऋण का संतुलित वितरण करना, उद्देश्य के तहत यह रखा गया कि अगर पहले हम लोगों ने कारण में देखा क्या कि संतुलित वितरण नहीं हो रहा था, केवल उद्योगपतियों को ही क्या मिल रहा था, इसका पूरी तरह से लाभ मिल रहा था और उद्योगपतियों का ही स्वामित्व था इस पर, तो उसे दूर करने के लिए किया गया। ग्रामीण क्षेत्र
हम लोगों ने देखा कि जब बैंकों का विकास हुआ आजादी के बाद तो केवल उसकी शाखाएं शहरों में खोली गई, जो ग्रामीण क्षेत्र था इससे अछूता रह गया। तो ग्रामीण क्षेत्रों तथा देश के प्रत्येक अंतिम व्यक्ति तक क्या करना कि बैंकिंग सेवाएं पहुंचाना, इसका लक्ष्य रखा गया। दो पॉइंट क्लियर। तीसरा, सरकारी योजनाओं की पूर्ति हेतु बैंकों को अनुकूल बनाया जाना, मतलब कि जो सरकारी योजनाएं लाई जाती थी उनका पूरी तरह से उपयोग नहीं हो पाता था। जैसे अभी प्रेजेंट टाइम में हम लोग देखें तो भारत का कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिसके पास बैंक अकाउंट नहीं होगा, कुछ परसेंट ही लोग होंगे जिनके पास नहीं होगा, ऐसे हम लोग बोल सकते हैं, 100% नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि काफी सारे लोग अभी भी बैंकों में अपने अकाउंट नहीं ओपन करवा पाए हैं। उसके लिए क्या जनधन योजना लाई गई थी, वो उसका मोटिव ही था कि लोग अपना अकाउंट ओपन करवाएं। इससे क्या होता है कि देश की अर्थव्यवस्था में वृद्धि होती है कि अगर आपके पास 100 रुपए, 500 रुपए, 1000 रुपए, 1,00,000 रुपए, 10,00,000 रुपए कुछ भी आएगा आप अपने बैंक में रखोगे, अपने अकाउंट में। तो अकाउंट में जो बैंक में पैसा जाता है उसका क्या होता है, उसका यूज किया जाता है देश के विकास में। आपका पैसा जो जाता है वो बैंक में हमेशा नहीं रहता, वो किसी दूसरे जरूरतमंद व्यक्ति को क्या किया जाता है, लोन दे दिया जाता है, ऋण दे दिया जाता है और उस पर आपको इंटरेस्ट दिया जाता है कुछ परसेंट। ठीक है, आपको मान लीजिए अगर 5% इंटरेस्ट मिल रहा है, लेकिन बैंक अगर वही आपका पैसा किसी दूसरे व्यक्ति को लोन के रूप में देती है तो उसका वह क्या करती है, 10% लेती है। तो इस तरह से बैंक का कार्य यही है कि हमारे पैसे से ही उसे पैसा बनाना है, क्या करना है, पैसे से ही पैसा बनाना है और देश का विकास करना है। ठीक, तो इस तरह से किया गया कि बैंकों के द्वारा विकास किया जाए, योजनाओं की आपूर्ति की जाए, योजनाएं जो है सरकारी उनका पूरी तरह से उपयोग किया जा सके, इसके लिए बैंकों को अनुकूल बनाया गया। तीसरा पॉइंट क्लियर। चौथा पॉइंट, सरकार का नियंत्रण स्थापित करना। सबसे बड़ा मोटिव राष्ट्रीयकरण का मतलब ही होता है सरकार का नियंत्रण। अगर सरकार का नियंत्रण हो जाएगा तो जो गैर कानूनी कार्य हो रहे हैं ऑटोमेटिकली वो क्या होंगे, बंद हो जाएंगे। जैसे कि बैंकों पर उद्योगपतियों का क्या था, एकाधिकार था, तो अगर उस पर सरकार का एकाधिकार हो जाएगा तो पूरी तरह से उद्योगपतियों का एकाधिकार खत्म हो जाएगा। दूसरा पॉइंट निकल के आया, आर्थिक संसाधनों का दुरुपयोग रोकना। आर्थिक संसाधनों के दुरुपयोग से भी यही आशय है कि बैंकों के राष्ट्रीयकरण के माध्यम से जो उद्योगपति हैं, कौन दुरुपयोग कौन कर सकता है, जो बाहुबली हो। बाहुबली उसमें कौन था, निजी स्वामित्व वाले व्यक्ति थे। क्यों? क्योंकि बैंकों पर ही उनका क्या था, एकाधिकार था। कुछ लोगों की ही बैंकें थी। प्राइवेटाइजेशन का मतलब यही होता है कि निजी स्वामित्व होता था, सरकार का कोई उसमें उत्तरदायित्व अथवा हस्तक्षेप नहीं होता था। तो इससे वो मनमाने ढंग से क्या करते थे, इसका दुरुपयोग करते थे, लोगों से पैसा जमा करके पैसा कभी कभी वापस तक नहीं करते थे। तो इस तरह से सारी समस्याओं को दूर करने के लिए बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। सबसे पहले 1969 में किया गया, इंदिरा गांधी की सरकार में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण। फिर दूसरे चरण में किया गया 1980 में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण। उसके बाद 1993 में बैंक ऑफ इंडिया का विलय कर दिया गया पंजाब नेशनल बैंक में, तो कुल 19 राष्ट्रीयकृत बैंकें बची। लेकिन 2020 खत्म होते तक क्या हुआ है कि अभी 2020 में 10 बैंकों का क्या किया गया है, विलय किया गया है। तो इस तरह से भारत में प्रेजेंट टाइम में कुल 12 राष्ट्रीयकृत बैंकें हैं। तो उम्मीद करता हूं कि राष्ट्रीयकृत बैंकों से संबंधित जितने भी आप लोगों के मन में क्या थे, कंफ्यूजन थे, दूर हो चुके होंगे। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आप लोगों को बेहद पसंद आया होगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें बात करने वाले हैं बैंकों के विलय के बारे में। तो उम्मीद करता हूं कि वो वीडियो भी आप लोगों को इसी तरह से अच्छा लगेगा। अगर वीडियो आप लोगों को सही लग रहा है, पसंद आ रहा है, तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप लोग नए हो तो, और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें जिससे कि इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों को सबसे पहले मिले। तो आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय। आप लोग अपना ख्याल रखिए।